जबलपुर में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जबलपुर शाखा के द्वारा एक रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया, जिसमें पुरानी पेंशन नीति को फिर से बहाल करने की मांग आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा की गई। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के सदस्य मौजूद रहे। वहीं आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन नीति को अगर बहाल नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन भोपाल में किया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आंदोलन स्थल पर आमंत्रित किया जाएगा। पुरानी पेंशन नहीं मिलने के कारण 1200 रुपए, कहीं 1500 रुपए, कहीं 900 रुपए पेंशन जो है नई पेंशन की स्कीम के माध्यम से मिल रही है, उस कारण हमारा जो है ना पूरा परिवार जो है ना बिखर गया है। हम लोग लोन की किस्तें नहीं चुका पा रहे, हम लोग घर में नहीं रह पा रहे हैं, किराएदार घर से निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है और हम लोग उस गंभीर स्थिति को देखते हुए आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ, हमने आज जिला शाखा जबलपुर के माध्यम से रैली निकाली। कल हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और आगामी एक मई को हम लोग भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करेंगे कि एक महापंचायत के माध्यम से और हम मुख्य आतिथ्य में हमारे आए और स्वीकार करें और पुरानी पेंशन की बहाली करें, जिस प्रकार पड़ोसी राज्यों में दूसरे मुख्यमंत्रियों द्वारा भी अभी पुरानी पेंशन लागू की गई है।